फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट से लेकर आम से लेकर आपको बता दें कि देश और प्रदेश के सभी नागरिकों की कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इस बार का बजट कैसा हो इसके लिए लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले एमएसएमई सेक्टर की। ये वो सेक्टर है जो देश की जीडीपी में 30% योगदान देता है। अब ऐसे में इस सेक्टर को बजट में विशेष स्थान देने की जरूरत भी है। बजट को लेकर गुरुग्राम के व्यवसायी क्या कहते हैं, देखिए नीरज विशिष्ट की ये खास रिपोर्ट। फरवरी को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से लोगों को क्या उम्मीद है, खास तौर पर मझले एवं लघु उद्योगों के क्या कुछ उम्मीदें हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के तमाम उद्योगपति शामिल हैं। ये बताइए कि किस तरह के बजट की उम्मीद की जा रही है। मेरा नाम जगतपाल सिंह है, मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन गुड़गांव से हूँ। और बजट की जहाँ तक बात करें कि अभी चर्चा भी कर रहे थे कि एमएसएमई सेक्टर के लिए खासतौर से कुछ ऐसी उनको इंश्योरेंस स्कीम्स या और तरह के बेनिफिशियल स्कीम्स लानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर यही है। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि उद्योग भी यही सेक्टर जनरेट करता है और हमारे एरिया में भी तो यही सेक्टर सबसे ज़्यादा एमएसएमई। तो बेसिकली अति सूक्ष्म अगर हम बात करें तो इस सेक्टर के लिए खास तौर से इंश्योरेंस की स्कीम्स आनी चाहिए और कुछ सुरक्षात्मक ऐसी कुछ स्कीम्स लानी चाहिए जिससे हम लोगों को भी सुरक्षा महसूस हो। जैसा कि कोरोना पीरियड में देखा गया कि हम लोगों पर मैक्सिमम बर्डन था और लायबिलिटी सारी पे करनी पड़ी, तो मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि इस तरह का कुछ इस बारे में सोचें। जब से जीएसटी लागू हुआ है ना, तो तब से जीएसटी के ऊपर सवाल, जीएसटी स्लैब के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम मीटिंग्स में चाहे मुख्यमंत्री खट्टर के साथ मीटिंग हो या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो, उद्योगपतियों ने जताया था कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया ना जाए इस बजट में और जीएसटी के अंदर जो परेशानियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, उनको कम किया जाए। क्या कहेंगे जीएसटी से आपको क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और इस बजट से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? सर, हम राकेश कुमार वोहरा रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 गुरुग्राम एंड दिस एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स दी माइक्रो लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो सर मेरा ये कहना है कि जब से ये जीएसटी लागू हुआ है इस प्रणाली में कई ऐसी कमियां रह गई हैं जो अभी सरकार को एड्रेस करने की ज़रूरत है। खास करके ये जो अति सूक्ष्म उद्योग है इनकी अपनी वित्तीय समस्याएं और वित्तीय लिमिटेशंस रहती हैं। तो इस जीएसटी कर प्रणाली में जो व्यवस्था इससे पूर्व वैट देते समय हम क्वार्टरली बेसिस पे किया करते थे टैक्स, जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज थी वो इस प्रणाली में एब्सेंट हैं, इस प्रणाली में नहीं है। हमें हर महीने जो भी सेल प्रोसीड्स होती हैं, जो भी हमारी सेल्स और परचेजेस होती हैं, जो उसका डिफरेंस है सेल और परचेजेस का, वो हमें वेरी नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ पे करना होता है और तब तक हमारे पास इतनी रिकवरीज भी नहीं आई होती उस टैक्सेशन की जो हमने चार्ज किया होता है बिल्स रेस करते वक्त। और उसका असर ये होता है कि इस उद्योग की जो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास पूंजी रहती है वो हमें इन ड्यूटीज में पे करनी पड़ जाती है, जबकि वो हमें अपनी उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग को आगे और सक्षम करने के लिए जरूरत यूज़ होनी चाहिए, वो उसमें यूज़ नहीं होती। तो ये मेरा एक निवेदन है भारतीय सरकार से और वित्त मंत्री से कि वो इस मुद्दे पे इस व्यवस्था को जी कुछ तर्कसंगत बनाए। टैक्स स्लैब को बढ़ाने की बात की जा रही है, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, क्या कुछ कहेंगे मैम आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है जीएसटी का मुद्दा, चाहे हम लाइसेंस फीस की बात करें या फिर जीएसटी के मुद्दे की बात करें। तब सालों से आप ये परेशानी झेलते आ रहे हैं। सर मेरा तो सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट एमएसएमई लाई थी तो हमें भी लगा था उस पर रजिस्ट्रेशन करा के शायद हमारा कुछ काम आसान हो। अब एमएसएमई आने के बाद है ना, हमारी पेमेंट्स तो आती है 120 दिन की, 90 दिन की। जॉब वर्क वालों की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि एक तो हमारे सबसे ज़्यादा छोटे छोटे उद्योग हैं, मेटल इतना महंगा हो गया है, एमएसएमई रजिस्टर्ड करा के हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जीएसटी हमें पर मंथ जमा करना पड़ रहा है। अगर हम एक महीने भी जमा ना करें तो नोटिस आ जाती है हमारे पास। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो हम जिसका काम करते हैं, जो भी हमारी पेमेंट्स वगैरह पे, इस पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा क्या बोलोगे? 2-3 साल पहले मुख्यमंत्री खट्टर ने तमाम उद्योगपतियों से मीटिंग कर उनके सुझाव जानने की कोशिश की थी और वही सुझाव फाइनेंस मिनिस्टर को भेजे गए थे। हालांकि उस सुझावों पर कितना कुछ काम है तो आप कुछ बताएंगे, लेकिन क्या लगता है कि बजट से पहले उद्योगपतियों को खासतौर पर विश्वास में लेना जरूरी है?
मेरे ख्याल से शायद ये हमारा नवा बजट पेश हो रहा है मोदी सरकार का। मैं देख रहा हूँ कि हर बार हमारी इंडस्ट्री उम्मीद भरी नज़रों से देखती है लेकिन मायूसी हाथ लगती है हमारे। हम लोगों का बड़ा जो योगदान रहता है टैक्स में, उसमें हमारी सबकी वित्त मंत्री जी से सिर्फ एक ही वो रहती है कि जो हमारी टैक्स प्रणाली है उसको थोड़ा सरल किया जाए। जिस तरह हम टैक्स में उलझे रहते हैं, सारी चीज़ें GST को उलझा कर रख दिया है। आप देखो कि हमारा जो छोटे जो उद्योग हैं उनका करीबन 30% जो हमारी GDP में हिस्सा रहता है, उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि अगर आज हमारा कोई धंधा बंद हो जाए या कुछ तरह का हो जाए कि सरकार हमें कोई किसी तरह की हमें रियायत देगी। सारी जो समस्याएं हैं वो इंडस्ट्रीज की बनी हुई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच भी मेरे ख्याल तीसरा बजट पेश हो रहा है। इस बार भी हम इसी उम्मीद से देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई अच्छी कोई राहत भरी खबर आएगी, क्योंकि जैसा पीछे देखा गया कि मेटल वगैरह सारे कोई भी चीज़ नियंत्रण में नहीं है सरकार के में, कि जो हम देख रहे हैं कि जो कोई भी चीज़ें वो अपने हिसाब से बढ़ती जा रही हैं, जबकि आगे से कोई उसका जो है आउटपुट है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी उसमें चल रही है। लाइसेंस और ऑडिट जो प्रणाली है, जो नियम है, उसको कैसे आसान बनाएं, क्या कुछ किसको लेकर आप सुझाव देना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव बंसल है, सूक्ष्म उद्योग का सेक्टर 37 में। ऑडिट प्रणाली से लेके दो चीज़ें मेन जो कंसर्न है कि सरकार का, पहले तो मैं अपना दूसरा व्यू रखना चाहूँगा। सरकार ने जो कोरोना के बाद जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया या बहुत सारे हमें उद्योगों को हमें बेनिफिट दिए जा रहे हैं, कहीं भी 1% भी किसी तरीके का बेनिफिट नहीं मिला। एग्जाम्पल, उन्होंने हमें जो हमारी ओडी लिमिट थी उसका 20% कहते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, किसी को 20 लाख 30 लाख पैसा मिल गया बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8.25% दिया, उससे कम तो हमें बैंक से वैसे ओडी लिमिट में मिल रहा है। किसी भी उद्योग को एक मतलब रहता हमें कि 2.5 या 3% पे पैसा मिलना चाहिए था, या अगर किसी को प्रॉब्लम है फंड की तो फंड दिए जाते, किसी भी तरीके से हमें कहीं से सहायता नहीं मिली और टैक्स हमारे से पूरा लिया जा रहा है। अभी हमारा ये व्यापार जितना ये पॉलिटिक्स चल रहे हैं, सारे ये प्रचार चल रहे हैं कि गरीबों को 2,000 रुपये महीना 1,000 रुपये महीना की सारी दी जा रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सब जो टैक्स हम सब लोग दे रहे हैं टैक्स वहीं जा रहा है। रेदर देन कि हमें कुछ उद्योगों को बेनिफिट दिया जाए, हमारा पैसा जो है वो सारा गरीबों के थ्रू उधर डाइवर्ट की पॉलिटिक्स आ रही है, वोट में लेके जाया जा रहा है। तो मेरा कंसर्न सबसे ये भी रिक्वेस्ट थी सरकार से कि इस तरीकों को एक्चुअली में देखा जाए। पर जहाँ तक ऑडिट वाली बात आपने करी है कि उसको एक बहुत सिस्टम सिंपल वे में बनाना चाहिए। अभी बैंक से रिलेटेड, GST से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से हम किसी भी तरीके से उसके जो उनका प्रीव्यू है वहाँ से भी किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो जितने भी हमारी सरकार की जो सेवाएं हैं या जो भी हमारे सिस्टम बने हुए हैं उनको रियलिटी में एक्चुअल आके और हमारे से स्टडी समझ के बात करके कुछ हमें हेल्प मिलनी चाहिए। हर बार ये कहा जाता है कि कृषि बजट होना चाहिए, शिक्षा के लेकर बजट होना चाहिए, आम आदमी का बजट होना चाहिए, इंडस्ट्री का बजट कब आएगा और क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप फाइनेंशियल मिनिस्टर को? जी, यही सैड पार्ट है कि जब भी बजट की बात होती है तो हमेशा किसानों की या जनरल पब्लिक की बात होती है, इंडस्ट्री की बात नहीं होती। आप देखिए, जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जितना भी डेवलप्ड नेशन है, उसके पास कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत है और वो कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे है। मैं बंसल जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आप यूरोप में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, 1-2% पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-10-9-11-12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना तो बिजनेस। और ये हालत तब है जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है ये इंडस्ट्री। जी जी बिल्कुल। और आप बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, मतलब 10% नेट प्रॉफिट कितने बिजनेस निकाल पाते होंगे? ज्यादातर बिजनेस 5-6-7% की नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे चलते हैं। उस पे अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 10% है तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई थिंक दिस इज वन थिंग जो एक लाइफ लाइन हो सकती है बिजनेसेस के लिए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकारों को पहले विश्वास में लेना चाहिए उद्योगपतियों को और फिर बजट पेश करना चाहिए, आम बजट पेश करना चाहिए? बिल्कुल, सरकारों को पहले विश्वास में लेना चाहिए और समाज स्केल इंडस्ट्री पे खास ध्यान देना चाहिए। अगर देश का विकास करना है तो समाज स्केल इंडस्ट्री को उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी इनको ध्यान देना होगा, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है समाज स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-2% पे ही किया जाए। क्या आपकी तरफ से सुझाव रहेगा? 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है,
मेरा नाम अमित गर्ग है और मेरा सुझाव ये है कि आपने जीएसटी जो लेके आए थे उसको पहले कहा गया था कि जीएसटी बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन आप जीएसटी को धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो। आपने पहले एचएसएन कोड लेके आए, ई सारी बिलिंग एचएसएन कोड से होगी, फिर आप ई वे बिल लेके आए, फिर आप ई इनवॉइसिंग लेके आए, फिर आप टीडीएस टीसीएस। अब हमें एक इनवॉइस रेज करने के लिए एक हाई लेवल का अकाउंटेंट चाहिए जो कहते हैं सारी चीजें सारी कंप्लाइंसेस फॉलो कर सके। उसके बाद हमें इतनी तरह की रिटर्न फाइल करनी होती है। हम बिलिंग कर रहे हैं अपनी पार्टी से, माल सप्लाई कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या हम उसके अंदर कहते हैं टैक्स की ही उलझनों में उलझे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको सिंपल प्रोसेस को सिंपल किया जाए। आप एक तरह का कोई कहते हैं कानून बना दीजिए, इनवॉइसिंग रख लीजिए, ई वे बिल रख लीजिए, कोई एक पॉइंट रखिए कि उसी से हमारा सारा हो गया, उसके बाद हमें कोई और रिटर्न या हमें कोई और कहते हैं ऐसी कंप्लाइंस नहीं करनी पड़े। तो ये वो सेक्टर है जो कि सर्वाधिक राजस्व देकर प्रदेश सरकार को अपने खून से सींचता आ रहा है, लेकिन कौन से युग में इंडस्ट्री को खासतौर पर ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा, इनका बड़ा सवाल ये भी है। इनका बड़ा सवाल ये भी है कि जीएसटी जैसी व्यवस्था को लागू तो कर लिया गया, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना चाहिए था अब तक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है, जिसके चलते तमाम उद्योगपतियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, जनता टीवी।